सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल पर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं न्यू टेक वीडियो देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम हियुद्दीन। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। उन लोगों के लिए तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं होने वाली जिनको इससे पहले पता है, लेकिन जिनको इससे पहले नहीं पता, जैसे फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था, तो मेरे लिए ये बात बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो शायद आपके लिए भी 100% इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिर दोस्तों जब हम अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करता हूं, तो वहां पे मुझे चाहिए gulamhiyuddin@gmail.com, तो वहां पे मुझे ये नहीं मिलने वाला कभी भी। वहां पे मुझे या फिर इसके अंदर डॉट को यूज़ करना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा जिसके बाद ही मुझे जीमेल का वो एड्रेस मिल पाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पहले बना लिया है तो इसलिए मुझे वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ डॉट की, जो आप डॉट यूज़ करते हैं। अगर हम gmail.com की हम बात नहीं कर रहे, उस कॉम से पहले जो डॉट लगती है उसकी बात नहीं कर रहे, या फिर आप अपने नाम के अंदर जो डॉट यूज़ करते हो, क्या आप उसके बगैर किसी को ईमेल सेंड कर सकते हो? आपके पास फॉर एग्जांपल मेरा कोई एड्रेस है gulamhiyuddin@gulamhiyuddin.477, तो यहाँ पे जो 477 और मेरे नाम के दरमियान में एक डॉट आ रही है, आप उसके बगैर भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्पेस नहीं देनी होगी, आपको सिंपल gulamhiyuddin477 लिखना होगा, उसके बाद @gmail.com लिखना होगा, तो आपकी मेल मेरे पास पहुँच जाएगी। दोस्तों जब ये गूगल बना था तब से ही गूगल को जो चीज़ मुनफरद बनाती है, इसमें आप डॉट का ना भी यूज़ करें तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर हम बात करें अगर याहू की या आउटलुक की, वहां पे आपको डॉट देना लाजमी होती है, जो आपने क्रिएट किया होगा नाम उसके अंदर डॉट को यूज किया होगा, वहां पे आपको डॉट लाजमी यूज करना पड़ेगी, उसके बाद ही आप किसी को मेल सेंड कर सकेंगे। अगर आप जीमेल पे बात करते हैं तो वहां पे आपने अंदर आपने अपने नाम के अंदर कोई डॉट को यूज किया होगा, तो वहां पर आप डॉट के बगैर भी किसी को मेल कर सकते हैं, तो वो मेल वहां तक उसके पास पहुंच जाएगी। मैंने ये तजर्बा किया है, 100% सही है। अगर आपको नहीं यकीन तो अभी आप भी उस यही तजर्बा कीजिए, किसी नेम के अंदर डॉट होगी तो डॉट के बगैर आप उसको उसका ईमेल एड्रेस दे के उसको ईमेल सेंड करें तो आपकी जीमेल से ईमेल चली जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी बहुत ज़्यादा, जिनको नहीं पता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।